जम्मू कश्मीर के राजौरी में जान गंवाने वाले पंजाब के लुधियाना के अजय सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। अग्निवीर को उनके पिता चरणजीत सिंह ने मुखाग्नि दी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव रामगढ़ सरदारा में पहुंचा था। इस दौरान 6 बहनों ने इकलौते भाई अजय सिंह के सर पर सेहरा सजाया। इसके बाद घर से शमशान घाट तक 2 किलोमीटर तक अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें DC सुरभि मलिक और SP अमित कौंडल भी शामिल रहे। इस दौरान DC सुरभि 1 किलोमीटर तक पैदल चले। यात्रा को शमशान घाट में पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया। बता दें कि मां भारती के लाडले बेटे का पार्थिव देह तिरंगे में लिपटकर सेना के विशेष वाहन से राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया है। वहीं उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मां की एक ही बात कह रही थी कि मेरा अजय लौटा दो। तू शहीद हुआ ना जाने कैसी तेरी मां सोई होगी। तू शहीद हुआ ना जाने कैसी तेरी मां सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई। वहीं DC सुरभि ने कहा कि अब मैं, SSP अमित कौंडल और SDM पुनर्वित कौर परिवार की 3 बेटियां और हैं, कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। अजय सिंह की गुरुवार सुबह नौशेरा सेक्टर में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से जान चली गई थी। वहीं अंतिम दर्शन के दौरान माहौल गमगीन हो गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तिरंगे में लिपटे अपने बेटे को देखने के लिए परिजनों समेत ग्रामीण भी उमड़ पड़े। भारतीय सेना के जवान अग्निवीर के पार्थिव देह को लेकर घर पहुंचे। अजय सिंह के पिता चरण सिंह ने बताया कि 6 बेटियों के बाद उन्होंने बेटा देखा था। वे खुद मेहनत मजदूरी करते थे, कड़ी मेहनत करके बेटे का पालन पोषण किया था। पत्नी भी काम करती थी, बेटियां भी प्राइवेट नौकरी करती थी। बेटा खुद कभी पेंट करने जाता था तो कभी राजमिस्त्री के साथ दिहाड़ी पर जाता था। 12वीं पास करने के बाद फरवरी 2022 में बेटा भर्ती हुआ था। अब आस थी कि परिवार का सहारा बन गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसे बेटा शहीद हो जाएगा। लेकिन शहादत पर गर्व है, बेटे का दुख कभी भुला नहीं जा सकता। बता दें कि मां भारती के लाडले बेटे का पार्थिव देह राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सरदारा पहुंचा, जहां शहीद जवान को राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विधि दी गई है। वहीं पंजाब के अग्निवीर जवान को उनके पिता ने मुखाग्नि दी तो हर किसी की आंख नम हो गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 6 बहनों के इकलौते भाई थे और माँ बोली कि मेरा बेटा लौटा दो, लेकिन वो देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर की राजौरी के नौशेरा सेक्टर में स्पॉट के चलते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मां भारती के लाडले बेटे का तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह देख बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो वहीं मां एक ही बात कह रही थी कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो। वहीं पिता ने हिम्मत दिखाते हुए मां भारती के लाडले बेटे की शहादत पर गर्व जताया, कहा कि बेटे को कभी भुला नहीं पाएंगे। आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की। बता दें कि पंजाब के रहने वाले शहीद अग्निवीर जवान अजय सिंह की उम्र महज 25 वर्ष थी। वे देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मां भारती के लाडले बेटे की शहादत को अपरा समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नमन करता है। वहीं आपसे क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आगे के अपडेट के लिए आप अपरा समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।